आई थिंक स्मार्ट वर्क जो तुमने गूगल के थ्रू किया है, एंड लॉजिक जो तुमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यू अटेन्ड दैट, आई थिंक दीज टू आर द कीज ऑफ योर सक्सेस. और ये बहुत सारे इंजीनियर्स की हो सकती है, बिकॉज इंजीनियर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर मोर लॉजिकल देन नॉन इंजीनियर्स. उनको पता होता है कि कैसे लॉजिक निकाल के क्वेश्चन को आंसर करना है या फिर सोल्यूशन तक पहुंचना है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई हैव वसंत केसरी विद मी टुडे. ही हैज वर्क इन सीबीआई एंड नाउ इज बीन सेलेक्टेड इन सेबी एज अ ग्रेट ए ऑफिसर इन द ईयर 2020. तो आज उनसे कुछ सवाल पूछेंगे. आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस. हिज प्रिपरेशन हैज बीन वेरी वेरी यूनिक. ही इज एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, बट हिज मार्क्स आर लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं उनकी तरह उनके नंबर आए हैं. So I'll try and understand, and you also can try and understand what strategy did he follow, जिसके through वो इतने अच्छे marks लेके आ पाए. तो वसंत, first of all, congratulations. I think moving from CBI to SEBI, I don't know if it's a upscale or a downscale, but it's certainly an interesting move. That is something that I can say, right? So you told me that you started your preparations in March 2020 when the notification came out. तो उसके बाद तुम्हें अराउंड 9 महीने 10 महीने प्रिपरेशन के लिए मिल गए. बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट लाइक टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? बीइंग एन इंजीनियर, यू नो, यू कैन नॉट से दैट एनी एग्जाम इज डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज यू नो इट्स लाइक व्हेनेवर व्हेन वी वांट टू मेजर डिफिकल्टी ऑफ एनीथिंग, वी यू नो वी ऑफन से दैट इट्स नॉट सम रॉकेट साइंस. And engineers do actually launch rockets. So I don't think anything is difficult for engineers, basically. So whenever I started my preparation, you know, you just have to look at the exam in an objective way. You know, you don't have to focus whether it is a commerce-oriented exam or not. It's basically how well you can study the syllabus given in the notification. And that is what I focused on. And yes, initially when you look at the syllabus, you think that, you know, this is more like commerce oriented and all, but it's not like that. You know, it's how well you can prepare for those 6 subjects. That's it. Even you know, when we had this group of the selected candidates, there are somewhere around 19% somewhere engineers who don't have any commerce background, and there are somewhere like 25% who are actually chartered accountants, company secretaries, etc. So it's a close thing. But at the same time, I feel that, you know, had the exam been originally, you know, had the exam been scheduled in April 2020 as it was originally scheduled, I think it was more of an opportunity for CAs rather than engineers, because वो syllabus ऐसा था कि उस time काफी नया syllabus था, उसमें ज़्यादा study material available नहीं था, कोई clarity नहीं थी, even जो classes थे उनमें भी कोई ज़्यादा clarity नहीं थी कि इसमें कैसे proceed किया जाए. Even अगर April 2020 में अगर exam होता तो मुझे लगता है क्लासेस भी एडिक्वेट मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे थे. तो उसके बाद एक यू नो कोविड की एक सिल्वर लाइनिंग सी है कि जो इंजीनियर्स है उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया. मैंने प्रिपरेशन, जैसे नोटिफिकेशन आया था उसके बाद आई थॉट यार तो टाइम तो काफी कम है क्योंकि एग्जाम तो अप्रैल में था. तो बट आई स्टार्टेड एनीवे. उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन होते गए. एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद यू नो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हुआ कि यार ये तो कोई शेड्यूल ही नहीं हो रहा. फिर जुलाई में पोस्टपोन हुआ था, उसके बाद अगेन पोस्टपोन हुआ. तो ओरिजिनली ऐसा था कि प्रिपरेशन तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे फिर एग्जाम पोस्टपोन होते गया प्रिपरेशन भी थोड़ा सा ढीला पड़ते गया. उसके बाद जैसे फिर जून जुलाई में अगेन हैव टू यू नो जॉब में ज्वाइन जाना था, ज्वाइन करना था. तो उसके बाद जॉब भी ऐसा है कि नो इट इज वेरी हेक्टिक. हमें ऐसा कोविड का कुछ ज्यादा ज्यादा उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जो ज्यादा नॉर्मली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को होता है कि वर्क फ्रॉम होम, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, हमें तो जाना ही पड़ता था. उसके अलावा ये प्रिपरेशन थी. उसके बाद पहले मैंने उन चीजों पे फोकस किया जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था. तो उसमें बेसिकली मेरे लिए कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. तो मैंने जर्नल्स बनाना, लेजर्स बनाना, वहां से स्टार्ट किया, एक अंडरस्टैंडिंग लिए, एक सीखा. और उसके बाद मेरा बेसिकली काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा वो. उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार मैंने चलो इसमें पढ़ते हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. उसके बाद जो मेन प्रिपरेशन मैं बोलूंगा कि जैसे हर कोई इंजीनियर यही करता है कि एग्जाम से 15 दिन पहले
हार्डली, तो मैंने वही किया, एग्जाम से 15 दिन पहले प्रीलिम्स मेंस से पहले लीव ली जॉब से, उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस किया। मेरा ऐसा भी हुआ था कि फेज वन से पहले तो मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा काफी सारा सिलेबस छूट गया था, बट एट द सेम टाइम की फेज वन इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, बेसिकली उन्होंने इसे क्वालिफाइंग बनाया था तो वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरा वही था कि यार जो मैंने किया है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूँ, रादर देन कि अब जो छूट गया वो छूट गया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सो दैट इज हाउ माय प्रिपरेशन वेंट ऑन। माय प्रिपरेशन का अगर मैं सही फेज बताऊं तो मैं बोलूंगा कि मार्च का जो महीना था 2020 का, उस टाइम पे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करी। उसके बाद सारी प्रिपरेशन जो हुई जनवरी 1st टू जनवरी 15-16 तक, क्योंकि 17th ऑफ जनवरी को एग्जाम थी एंड 15 डेज प्रायर टू फेज टू एग्जाम। सो दैट इज व्हाट माय प्रिपरेशन वाज। वसंत, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, विच इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच के, अफकोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के हार मान जाते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या तो टाइम पूरा नहीं मिला, इधर यू आर वर्किंग और यू डिड नॉट हैव द राइट मोटिवेशन। अफकोर्स सिलेबस पूरा करके जाओगे तो इम्पैक्ट बेटर पड़ेगा, यू विल हैव मोर स्कोप, बट सिलेबस पूरा नहीं होना doesn't mean कि एग्जाम निकलेगा ही नहीं, बिकॉज इफ योर एक्यूरेसी इज हाई, इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड, जो आपने पढ़ा है यू कैन स्टिल क्रैक द एग्जामिनेशन, यू कैन स्टिल हैव अ गुड चांस। इसमें ऐसा था कि अगर आप देखोगे इसका फेज टू मतलब फाइनल जो कट ऑफ था इट वॉज ओनली 69 मार्क्स। मतलब अगर आप देखो कि इफ यू कैन कवर एटलीस्ट इवन 70% ऑफ योर सिलेबस इन लाइक विद फुल एक्यूरेसी, 70%, हम 80-90% की बात नहीं कर रहे, 70%, देन स्टिल यू विल क्वालिफाई। तो ये होता है कि आपको, जैसे मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैंने कोई मॉक इंटरव्यू सॉरी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैंने रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया। मैं ये सोचता था कि जो मुझे आता है या फिर जो मैंने जिसकी तैयारी करी है, आई शुड बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल दोस थिंग्स, तो उसके लिए मैंने बार बार रिवीजन किया, तो उससे मैं ज्यादा वो मॉक टेस्ट का जो ये होता है कि वो मैंने उसको ओवरकम कर पाया विद द हेल्प ऑफ रिविजन्स, तो उसके कारण मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। दूसरा, ये जो आपने बात करी कि पूरा सिलेबस कवर होने की जरूरत नहीं है, अब जैसे अगर कोई फाइनल मतलब लीव, अगर आप कंपनीज एक्ट वगैरह ऐसे कोई छोड़ दें जो एक डेफिनेटिव है, उन्होंने बता दिया कि अराउंड 140 सेक्शंस ही है जो कंपनीज एक्ट से हम पूछेंगे, 7 चैप्टर्स थे, लेकिन आप फाइनेंस के ऊपर देखोगे तो आप कभी भी उसका सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। मतलब यू नेवर नो कि व्हाट दे विल आस्क। तो ऐसा होता है कि आप जितना भी आपके हाथ में है या फिर जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बार बार रिविजन कीजिए, तो दैट इज इनफ। ये बोलूंगा कि पूरा सिलेबस पे कवर नहीं हो पा रहा है बाय चांस, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप इसी के साथ जाओ कि पूरा सिलेबस नहीं करना है, थोड़ा ही करना है लेकिन अच्छा करना है, पूरा सिलेबस करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता तो नीड नॉट वरी, एग्जाम में आपका जो कॉमन सेंस होता है, आपका जो लॉजिक होता है, जो गट फीलिंग जो होती है आपका, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प यू। वेरी वेल सेड। एक बार सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट इंजीनियर हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो कितना टाइम देना चाहिए या कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि डिसेंट लेवल पे आप प्रिपेयर्ड? डिसेंट लेवल के लिए दैट डिपेंड्स, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको अपना एक शेड्यूल अलग से बनाना पड़ेगा, हो सकता है आपको ज्यादा भी टाइम लगे उसके लिए, लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग है तो आई थिंक 1 month और 1.5 month इज सफिशियंट, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव लाइक इनलाइन स्टडी मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 months में आप स्टडी मटेरियल भी ढूंढोगे, फिर आप अलग अलग सोर्सेज के पास भी जाओगे, वो नहीं कर सकते। आपको एक स्टडी मटेरियल अपना आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद 1.5 months इफ यू स्टडी प्रॉपरली दैट्स मोर देन इनफ, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई जरूरत होगी, प्रोवाइडेड आपको जितनी जल्दी हो सके सिलेबस पूरा करके आपको रिविजन्स ही आपका रिजल्ट लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डे तक अगर आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, आप मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन अ मंथ और आफ्टर ये 15 दिन बस आपको रिविजन्स ही करने हैं। सो नॉर्मली ये भी होता है कि काफी लोग, मैं ये बोलूंगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद ये करते हैं कि प्रिपरेशन दे स्टार्ट, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपका उस फील्ड में अगर बैकग्राउंड है तो हो सकता है आप कर भी लें, अदरवाइज मैं बोलूंगा कि अगर आपका टारगेट सेट है कि आपको यही करना है सो यू कैन प्रिपेयर वेल इन एडवांस। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मुझे लगता है हर रेगुलेटरी बॉडी के इसमें तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तो आ ही रहा है,
यू कैन प्रिपेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे. सो दैट इज व्हाट आई फील, कि 1.5 months इज फाइन, उसके बाद उतने में आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव गुड सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो एक एक करके सब्जेक्ट उठा लेते हैं. वेरी ब्रीफली द सोर्सेज दैट यू यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट्स, लेट्स से इकोनॉमिक्स से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या क्या सोर्सेज यूज किए थे इकोनॉमिक्स में? मैंने ऐसा किया था कि इकोनॉमिक्स से मेरा मोस्टली, मेरा ऐसा कोई खास मैंने सोर्सेस ज्यादा इसमें इसके लिए यूज नहीं किए थे मोस्टली, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं ज्यादा, क्योंकि मैं वर्किंग था तो मोस्टली मैं ऐसा था कि मैं किसी चीज को ठीक से परस्यू नहीं कर पाता था, स्पेशली द नेचर ऑफ माई जॉब. मेरा जॉब ऐसा था कि काफी बार मुझे बोल देते थे कि यार कुछ मतलब 4-5 दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए आपको किसी और स्टेट में जाना है, कहीं और जाना है, टूर पे जाना है. कभी मॉर्निंग में जाना पड़ता था, कभी रात में जाना पड़ता था, तो मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं हो पाता था. तो इसलिए मैंने ये नहीं किया कि मैं कोई सोर्स वगैरह सब्सक्राइब करूं या फिर उसको करूं, कि बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मैं उसे ठीक से परस्यू कर पाऊंगा कि नहीं. मैंने इन बैक इन 2019 मैं सोचा था कि मैं इसकी एग्जाम दूंगा, बट अगेन मेरा ऐसा जॉब था कि उसी दिन पे मुझे कहीं और जाना पड़ गया, एंड तो मतलब मैं उसकी एग्जाम तक नहीं दे पाया. तो मैंने सोचा यार लेट्स नॉट वेस्ट सम मनी, तो वेस्ट एनी मनी, सो आई थॉट आई विल प्रिपेयर लाइक दिस. तो मैंने क्या कर दिया कि मैं सिलेबस था स्ट्रिक्टली, यू नो उसको ही सिलेबस को मैंने स्टिक किया. कोई भी डाउट होता है, कोई भी ये करता है, मैं ऑनलाइन जाता था कि मैं वहां पे गूगल करता था, एंड आई यूज टू प्रिपेयर माई ओन नोट्स. उसका थोड़ा बेनिफिट मुझे इसलिए हुआ कि थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, क्योंकि एग्जाम कंटिन्यूसली पोस्टपोन हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा समझा, और उसके कारण मेरा मुझे हेल्पफुल हुआ. दूसरा ये था कि एमसीक्यूज, मैं जो बेसिकली मैंने इसका भी ICMAI का भी मैंने CMA फाउंडेशन कोर्स के लिए सब्सक्राइब किया था, तो उसके भी कुछ बुक्स थे. इतना ही नहीं कि ICMAI की आपके इंटरमीडिएट के भी आपको बुक्स मिलेंगे, उससे भी आपको वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स होता है असल में, तो उसका भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा. एंड यही मेरे 2-4 ही सोर्सेस थे, ज्यादा नहीं थे. तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ निकल के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप तुमने क्या किया जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ICAI के सोर्सेज विच आर प्रोबेबली द बेस्ट सोर्सेज आउट देयर, क्योंकि वो 20-30 साल से बनते आ रहे हैं, रिफाइन होते आ रहे हैं रेगुलरली, तो वो बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छे से बनाए हुए सोर्सेज हैं. सेकेंडली जो लोग गलती करते हैं कि अगर गूगल करना शुरू कर देते हैं किसी टॉपिक को, जस्ट लेट से ISLM, आप तुमने देखा कि ISLM पढ़ते हैं, गूगल किया, गूगल पे थोड़ी देर में समझ आ गया, फिर लेकिन PhD करना शुरू कर दिया उस टॉपिक पे, और उस चक्कर में उसमें 2 घंटे ना लगा के 2 दिन लगा दिए, देन दे रियलाइज कि यार ये तो वेस्ट हो रहा है, तो किसी सोर्स के पीछे तब भागते हैं. अब जो थोड़ा सा स्मार्ट होगा, जो थोड़ा सा स्टूडेंट सुलझा हुआ होगा, वो क्या करेगा कि 2 घंटे में उसको खत्म करके उस पे नोट्स बना के अगले 1 घंटे में उसको साइड में रख देगा. एग्जाम को एक, आपको पहले जो एग्जाम का नेचर है वो आप समझने की बहुत जरूरत है. अगर आप देखेंगे PhD का एग्जाम था, 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे कोई PhD करने वाला सवाल नहीं है, यहाँ पे आपको ये करना है, जैसे ISLM कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो आप उसी टाइम पे ये सोचना है कि अगर कोई एग्जामिनर इस टॉपिक पे क्वेश्चन सेट करेगा तो क्या पूछने वाला है. अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन कॉमर्स हो, नॉन फाइनेंस हो, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है. तो मैंने वही किया, और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो थे बेसिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वगैरह से, तो मेरे डायरेक्ट हिट थे कि ये जो मैंने क्वेश्चन अपने आप से निकाले थे कि यार ये इस टॉपिक से ये सवाल वो पूछ सकता है, तो वही सवाल आते दिए. और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट उन्होंने पूछ लिया, की नोट्स पूछ लिया, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता. और ये आपको मतलब जो थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन होती है, जो जनरल नॉलेज होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट है, तो वही हुआ मोस्ट ऑफ द केसेस में. और जो एक्चुअल जो पिन पॉइंट सवाल होते हैं, अगर इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दोस क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हाट द डिस्टिंक्शन फैक्टर इज. वेरी नाइस. तो इंटरव्यू पे थोड़ा सा आते हैं. इंटरव्यू में दे मस्ट हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि भाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन SEBI नाउ, यू आर डूइंग सो वेल देयर. तो उसमें तुम्हारा आंसर क्या था, और उस आंसर के बेसिस पे वर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस? उन्होंने मुझसे बेसिकली ये इंटरव्यू के लिए जब कभी आप जाने वाले होते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना होता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप अलोंग विद यू नो 10-15 और भी जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एटसेट्रा. तो इन क्वेश्चंस को आपको, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसे लिखे
आप इसे बार बार इसे रिवाइज करें, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको 50% क्वेश्चन तो पूछे जाने ही है। तो मैंने वही किया था, मैंने अपने आंसर लिखे, मैंने ये सोचा कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मैं ये आंसर सुन रहा हूँ तो हाउ विल आई रिएक्ट, तो अगर उस पर कोई काउंटर क्वेश्चंस में बना सकता हूँ क्या, तो वो मैंने बनाए, मैंने अपने आंसर्स को रिफाइन किया, उस हिसाब से मैं इंटरव्यू में गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सीबीआई छोड़ के सेबी में क्यों आना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें ये बताया कि सर फाइनेंस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है कि आप जिस एरिया में जाने वाले हैं वो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको सफिशियंट नॉलेज। मैं भले ही नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, डजंट मैटर, उन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था, इफ दे वांटेड ओनली सीएस दे वुड हैव रिटन सो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहां पे आप जाओ, वहां पे आप बताओ कि यार मुझे इस फील्ड में ये करना है, तो वो ये पूछेंगे कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस व्हाट डिड यू डू टिल नाउ। तो मैंने उसके लिए सीएमए का फाउंडेशन भी सब्सक्राइब किया था, मैंने सीएसईटी के लिए भी मेरा एग्जाम था, उसके लिए मैंने उनको ये भी बताया कि मैं ऐसा ये कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैंने उन्हें ये बताया कि ओवर द मेरा अभी टोटल 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो मैंने उन्हें ये बताया कि सर मैं जो अभी वर्क एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इससे पहले बैंक यू भी रह चुका हूँ, अभी मैं एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता हूँ, तो मैंने ये बताया कि सर मैं उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, सो दैट इज व्हाट आई फील कि सेबी मेरे लिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा। उस पे मतलब मेरा आंसर ही मैंने ऐसा बनाया था कि उस पे कम ही काउंटर क्वेश्चंस निकले, या फिर जो क्वेश्चंस निकले उनमें मैं आंसर कर पाऊँ ठीक से। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, किसी और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी तैयारी कर रहे हो क्या, तो बोले हाँ सर मैं आरबीआई के लिए कर रहा हूँ, मैंने ये भी बता दिया उन्हें, बोले ठीक है, सो दैट्स ऑल इट वाज। तो उन्होंने ज्यादा उस पर पूछा नहीं। अदरवाइज इंटरव्यू में जैसे मैं देख रहा था जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके अगर प्रोफाइल देखा जाए तो एक काफी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मुझे लगा उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया है, मतलब बहुत कम कैंडिडेट्स है जो 21-23 पे आए हुए हैं एट द एज ऑफ 21 एंड 23, बाकी सारे 26 के अराउंड है ज्यादातर लोग। तो उन सबको एक्सपीरियंस है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई इनकम टैक्स में काम कर रहा है, जैसे मैं सीबीआई से हूँ, काफी लोग बिग फोर जो कंपनीज है वहां पे काम कर रहे हैं, तो काफी डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, एक्सेप्ट कि अगर किसी का कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो तो अलग बात है। सो मुझे लगा कि वो एक मेरे लिए ज्यादा अलग बेनिफिट था कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं उसी के पीछे लगा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं आई केप्ट ऑन राइटिंग एग्जाम्स, आई केप्ट ऑन वर्किंग बेसिकली, सो दैट इज व्हाट हिट मी इन द इंटरव्यू। आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव बैकग्राउंड है, फ्यूचर में सुब्रत रॉय जैसे लोग जल्दी पकड़े जाएंगे और जल्दी जेल जाएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन फ्यूचर में शायद जल्दी हो पाएगा तुम्हारे थ्रू। वेरी नाइस। एक लास्ट एडवाइस स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे, बिकॉज जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्स तो नहीं बोलेंगे, आई थिंक यू हैव यूज्ड दैट ब्यूटिफुली इन योर प्रिपरेशन एंड इट इज अ लॉट अबाउट दैट, तो उस एक्सपीरियंस से क्या निकाल के स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, स्पेशली इंजीनियर्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस और लिमिटेड एक्सपीरियंस? जैसे कोई भी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्जाम को जैसे आप प्रिपरेशन करना है तो आपको एक अपनी डेफिनेटिव स्ट्रेटेजी रखनी पड़ती है, कि मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन किया है मुझे बस उसकी तैयारी करनी है, उसके बाहर मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इन जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उस पर कोई पीएचडी करने की इच्छा है। मैंने सिंपल ये किया कि इन टॉपिक्स पे मुझे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरा यही तैयारी थी। दूसरा, काफी सारे जो मिथ्स होते हैं बेसिकली, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फेज टू में डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव में 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना था, सो मैं एक्चुअली मेरी ऐसी पहली एग्जाम थी जहाँ पे मैं कंप्यूटर पे कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा था अराउंड 349 वर्ड्स का। तो जब मैंने नॉर्मली मेरा ये था कि जैसे मेरा ऐसे का टॉपिक आया, आई चोज द टॉपिक, तो मैंने उस पर लिखना शुरू कर दिया। लिखने में मैंने ऐसा था कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि शायद पेपर टू में मैं उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो मुझे ये पता था कि यार डिस्क्रिप्टिव भी 100 मार्क्स का है, और अगर आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो दैट विल बी वेल एंड गुड। और मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा मुझे डिस्टिंक्शन, मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। काफी सारे मैं इसमें देख रहा था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, दे स्कोर्ड अराउंड 84-85 मार्क्स इन पेपर टू, तो वहां पे मेरे से लगभग 10-12 मार्क्स उनको ज्यादा थे, लेकिन स्टिल उनका स्कोर मेरे से कम भी था।
ओवरऑल जो स्कोर था। तो क्यों था? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मैंने अच्छा तैयारी किया था, इसके अलावा इंटरव्यू में मुझे ठीक ठाक मार्क्स थे, तो दैट वाज मुझे लगा थोड़ा सा मेरे फेवर में मैंने काम किया। दूसरी ये चीज थी कि स्पेशली इंटरव्यू में मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे इंटरव्यू था मेरा काफी, मुझे लगा कि काफी खराब हुआ था इंटरव्यू में। मैं गया, उन्होंने मतलब 7-8 में मुझसे फाइनेंस के सवाल पूछे, और मतलब स्टार्टिंग में मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बाद उन्होंने 7-8 फाइनेंस के डायरेक्ट डेफिनेशन मुझसे पूछे और मुझे एक भी नहीं आती थी। तो मैंने सॉरी मैम आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो, ऐसा मेरा काफी बार हो गया। उसके बाद स्विच टू लॉजिकल क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे फिर ये बात करी कि मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था 14th of June को और 2nd to 4th of June को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। तो ये आपको नो द आउटकम, मतलब उस पे आउटकम पे आपको पता होना ही चाहिए था। तो वो मैंने पढ़ाई किया था, मतलब उसकी तैयारी करी थी। उसके अलावा उन्होंने फिर ये बात करी कि ठीक है ये बताओ यूएस के मॉनिटरी पॉलिसी हाउ इट इम्पैक्ट्स इंडियन मार्केट्स, तो वो भी मुझे पता था। जो उन्होंने जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे थे तो मेरा लॉजिक ठीक था, तो शायद हो सकता है उनको वो पसंद आया हो। दूसरा उन्होंने बेसिक आरबीए के बारे में पूछा, शेयर मार्केट से जो दूसरे थे प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा उन्होंने, तो उन सब के बारे में मैं आंसर दे पाया। तो मुझे लगा कि शुरू में ऐसा था कि 7-8 क्वेश्चन मेरे ऐसे हो रहे थे, आई डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इंटरव्यू में पहली बार ऐसा हो रहा था कि आई वाज हेल्पलेस, मतलब मैं कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा। लेकिन स्टिल उन्होंने मुझे 10 out of 15 मार्क्स दिए, तो मुझे लगा दैट वाज आल्सो क्वाइट गुड कंसीडरिंग हाउ माय इंटरव्यू वेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, इट व्हाट मैटर्स इज आप उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। एज मतलब जैसे मैं सीबीआई का पार्ट हूँ, तो एक मेरे अंदर एक इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके कारण। तो दैट मेरा कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू में भी ऐसा ही था। तो वहां पे जब क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं आ रहे थे एक के बाद एक, तो थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक ही थी। लेकिन ऐसा आपको पैनिक करना नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप बोल दीजिए कि सॉरी आई डोंट नो। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कुछ ब्लफ करें, कुछ उल्टा सीधा आंसर करने की कोशिश करें, डजंट मैटर। नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं। और सिंपल कोई डेफिनेशंस किसी को पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर मार्केट्स का फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट बन गया। ठीक है, आपको कुछ डेफिनेशंस आपको कम पता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर आपका लॉजिकल माइंड है, अगर आप किसी भी चीज को कितनी जल्दी समझ सकते हैं, तो वो आपका मुझे लगता है काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। दूसरा ये था कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। उन्होंने जैसे मैं बैंक पीओ भी था, तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में बात करी, तो वो सारी चीजें मुझे पता थी, तो वो हेल्पफुल हुआ। आप जो भी आपको पता है, जैसे मैं नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंस वाला हूँ, तो ठीक है उन्होंने मुझे नहीं पता था, शायद उन्होंने ये भी इस चीज को भी अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन इस चीज से आप गुजरे हो, अगर आप जैसे मैं सीबीआई का हूँ, अगर मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई पूछे, तो वो चीज मुझे पता होनी चाहिए उसके बारे में। अगर मैं ये बोलूँ कि सॉरी आई डोंट नो, तो वो सही नहीं। अगर कोई तो आई थिंक स्मार्ट वर्क जो तुमने गूगल के थ्रू किया है, एंड लॉजिक जो तुमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यू अटेन्ड दैट, आई थिंक दीज टू आर द कीज ऑफ योर सक्सेस। और ये बहुत सारे इंजीनियर्स की हो सकती है, बिकॉज इंजीनियर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट आर मोर लॉजिकल देन नॉन इंजीनियर्स। उनको पता होता है कि कैसे लॉजिक निकाल के क्वेश्चन को आंसर करना है या फिर सोल्यूशन तक पहुँचना है। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दैट्स ऑल that we have today. I think it was an amazing session. बहुत मजा आया तुमसे बात करके, छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली, और certainly अपने पढ़ाने के तरीके में और students के पढ़ने के तरीके में दोनों में कहीं ना कहीं ये जरूर help करेगा। Thanks a lot, Basant. Take care, have a nice day. All the best for your future. Thank you so much.